हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, अभी देख रहे हैं हमारे पास में एक ये प्रेस है, इसको हम कपड़ा आयरन बोलते हैं। तो दोस्तों देखते हैं ना, मेरे पास में प्रेस वो है। तो दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम आया है ना, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें जो प्रॉब्लम है वो आपको टाइटल और थंबनेल लेकर सुनने में आ ही गया होगा कि इसमें प्रॉब्लम आया क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम है क्या। तो दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम है वो जब भी इसको इसमें हम जब पावर देते हैं, मतलब लाइन देते हैं, इसमें पावर देते हैं, तो दोस्तों इसका जो बल्ब है ना, ये इंडिकेटर, ये नहीं जलता है। हाँ, जलता है कभी इधर, जैसा कि देख रही है, रोटेट कर रहा है, तो कभी ऐसे करने से इसमें लाइट आता है। तो दोस्तों, कभी भी आपके घर में अगर इस प्रकार के प्रॉब्लम आए तो आपको ज्यादा यूज नहीं करना है, फौरन से इसको रिपेयर कर लेना है या रिपेयर करवा लेना है। ऐसे शॉर्ट सर्किट होने के आपके ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं इसको अपने से आप रिपेयर कैसे कीजिएगा। तो चलिए, इसके लिए हमारे हमारे पास में एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। तो चलिए, इससे हम इसको ओपन करते हैं। तो खोलते हैं, खोलने के बाद फिर आपको बताते हैं कि आपको करना क्या होगा। सिंपल सा प्रॉब्लम रहता है। तो इसके अंदर में स्क्रू है, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको नहीं दिख रहा है। तो इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद फिर इसको हम आपको बता दें इसको कैसे रिपेयर करवाना करना है या रिपेयर करवाना है। तो देखिए, यहाँ पे एक स्क्रू है, तो इसको नीचे रखते हैं। नीचे रखने के बाद यहाँ से ये ओपन हो जाता है, इसका ढक्कन। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। तो चलिए, ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद देखते हैं आगे का ये। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि देखिए, यहाँ पे ये गला हुआ है वायर। देखिए, यहाँ पे वायर गला हुआ है और टेप वगैरह बहुत ज्यादा है इसमें मारा हुआ है। तो आपको करना सिंपली कुछ नहीं होगा। देखिए, यहाँ से वायर काट लीजिएगा और यहाँ जो कनेक्शन है वो कर लेना होगा, क्योंकि लूज कनेक्शन कारण ऐसा होता है। और कभी कभी होता है कि यहाँ से हट गया, दूसरा तार में चल गया, तो शॉर्ट भी हो सकता है और आपको करंट भी लग सकता है। तो आपको सिंपली कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आए, ऐसे ऐसे करने से लाइन है तो लूज कनेक्शन कारण होता है, तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं होगा। यहाँ से इसको कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद इसको यहाँ से हटा दीजिएगा, छील कर फिर यहाँ जो कनेक्शन है वो कर लीजिएगा। चलिए, हम फटाफट कनेक्शन करके फिर आपको हम बताते हैं। तो इसको टेप वगैरह का हम खोलते हैं। तो देखिए, ये टेप फट गया और यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा। देखिए, यहाँ पे शॉर्ट लगने के कारण यहाँ पे काला भी पड़ गया है। मैं आपको, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, तो चलिए हम इसको बढ़िया से कनेक्शन करके फिर आपको हम बताते हैं कि मैंने किस प्रकार से इसमें कनेक्शन किया हो। कनेक्शन एलिमेंट से था और इसका भी था। तो देखिए, यहाँ पे मैं क्लियर आपको तार का हालत दिखा सकता हूँ। देखिए, इसमें तो यहाँ पे है। तो इसको हम ओपन कैसे किए हैं, इसको आप एक स्क्रू ड्राइवर से इसको आराम से खोल लीजिएगा। उसके बाद में हम कनेक्शन करके फ्रेश से आपको दिखाते हैं कि मैंने कनेक्शन कैसे किया है। तो यहाँ पे मैं इसको देखिए, तीनों वायर को यहाँ से खोल लिया हूँ। और यहाँ पे रेड रेड वायर आपको दिख रहा होगा, एलिमेंट हो गया। इधर ब्लैक वायर है और बीच में कुछ नहीं है। तो इसको हम कट करके फिर जोड़ते हैं, उसके बाद फिर आपको हम यहाँ फिट करके दिखाते हैं। जहाँ तक जला हुआ था वायर, वहां से मैं कट करके फिर यहाँ पे कनेक्शन कर दिया हूँ। और यहाँ पे जो स्क्रू है, देखिए, जहाँ पे वायर कनेक्शन होता है वो उस स्क्रू पे पूरा टाइट से कीजिएगा, क्योंकि लूज कनेक्शन कारण ये स्पार्क करता है और स्पार्क करने के कारण ये जल जाता है वायर, और आपस में शॉर्ट होने का भी चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो कभी भी आपको तार को ऐसे ऐसे करने पर लाइन आता है और फिर मतलब चल जाता है, लाइट नहीं जलता है, ये इंडिकेटर नहीं जलता है, तो आप जल्द से जल्द इसको रिपेयर करवा लेना होगा या तो खुद से आप रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि लूज कनेक्शन के कारण ही वैसा होता है। तो आई होप मेरे वीडियो से आपको कुछ सीख मिला हो, कुछ जानकारी मिला हो। तो आपको क्या करना है, लाइक कॉमेंट और शेयर कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं ये बजाज कंपनी का है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब के लिए बाय।